हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एग्ज़ाम हैकर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ज्योग्राफी आंसर राइटिंग का आज हम लोग का 39वां दिन है, तो आज हम लोग देख लेते हैं किस क्वेश्चन पे आपको आंसर राइटिंग करना है। तो दोस्तों, आज भी जो प्रश्न लिया गया है वो हमारे यूपीएससी द्वारा 2017 में पूछा गया है। तो आज का प्रश्न है दोस्तों, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल कैपिटल इन रिलेशन टू इंडिया। भारत के संदर्भ संबंध में सामाजिक पूंजी की संकल्पना की व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ पे सोशल कैपिटल के बारे में पूछा गया है। तो सोशल कैपिटल जो टर्म्स हैं वो सबसे पहले क्वाइन किया गया था रॉबर्ट पुटनेम ने। इन्होंने सोशल कैपिटल को डिफाइन किया था कि जो सोसाइटी में जो बॉन्डिंग्स होती हैं, जो इंटर रिलेशन होते हैं, जो फैथ होते हैं, वो क्या करते हैं, वो हमारी सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हेल्प करते हैं, एज ए कैपिटल वर्क करते हैं। तो जैसे सोसाइटी में जो बॉन्डिंग्स होती हैं, जो भी फैथ होते हैं, इंटर रिलेशन होते हैं, वो एज ए कैपिटल की तरह काम करते हैं। जैसे कि अदर कैपिटल होते हैं जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, वैसे ही सोसाइटी में यदि फैथ होगा, ब्रिजिंग होगी, बॉन्डिंग होगी, तो कैपिटल तरह काम करेगी, जो वहाँ की सोसाइटी और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प आएंगे। तो ये हमारी सोशल कैपिटल होती है। इंडिया के रिस्पेक्ट में बात करें दोस्तों सोशल कैपिटल में, तो बहुत सारे वुमेन्स की ऑर्गेनाइजेशन भी हैं जो वुमेन को एम्पावर करने की काम आते हैं, और बहुत सारे एनजीओ भी हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो बहुत सारे जो जैसे फार्मर्स हैं उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, जो उनके वहाँ के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे नेगेटिव साइड में इंडिया में बहुत सारे जो ऐसे सोशल कैपिटल हैं, जैसे मान लो जाट या अदर जो हमारी सोशल कैपिटल है, बिलोंगिंग है, सोसाइटी है, वो क्या करते हैं, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी भी फैलाने में हेल्प करते हैं, या अपना जो डिमांड होता है उसको फोर्सफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो इन सारे सोशल कैपिटल का मिसयूज भी होता है। तो इंडिया के रिस्पेक्ट में दोस्तों, यहाँ पे सोशल कैपिटल को एक्सप्लेन करना है, दोनों ही पॉजिटिव नेगेटिव दोनों को। तो दोस्तों, आंसर राइटिंग करते रहिए। आंसर राइटिंग करने के लिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए आपको कमेंट सेक्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उस लिंक पे आपको क्लिक करना है, जो भी पेज ओपन होगा वहाँ पे कमेंट में अपने आंसर को आपको अपलोड करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक साथ। थैंक यू।